सो गाइस आप सभी लोग अभी जो थंबनेल यहां पर देख रहे हो स्क्रीन पर, तो गाइस इस तरीके के थंबनेल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाने वाला हूं। गाइस अगर आप लोगों ने इस टाइप के थंबनेल बना लिए तो व्यूअर आपकी वीडियोस पर क्लिक करना शुरू कर देंगे, और क्लिक करना शुरू कर देंगे तो आपके चैनल पर व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपके साथ क्या हो रहा है, आप लोग थंबनेल ऐसे बना ही नहीं पा रहे हो। ऐसे अट्रैक्टिव थंबनेल आज की इस वीडियो में मैं पूरा ट्यूटोरियल लेके आया हूं। इस तरीके से अट्रैक्टिव थंबनेल बना के आप अपनी वीडियोस पर लाखों करोड़ों में व्यूज ला सकते हो। मैं भी अपनी वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज लाया हूं ड्यू टू दीज अट्रैक्टिव थंबनेल्स। तो कैसी क्लिकी लाइंस यहां पर लिखनी होती है, कैसे एक क्लिकेबल थंबनेल बनाया जाता है जिससे व्यूअर क्लिक करता ही करता है, इस वीडियो में डिटेल में जानने को मिलेगा। कहां से कैसे पेपर्स लाने हैं, कहां से कौन सी टेम्पलेट्स लानी है, कहां से कौन सी वो टेक्सचर लाने हैं जिनके माध्यम से आपका थंबनेल एक नंबर बन जाता है इस टाइप का जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। चलो इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो काफी मजेदार रही है। तो सभी लोग वीडियो को अभी का भी लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी का चैनल तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चले गाइस आज की इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चालू कर लेता हूं और वो मैं आप लोगों को सारी एप्लीकेशन बताने वाला हूं, ठीक है, और किस तरीके से आप बना सकते हो। तो सबसे पहले गाइज हमको आ जाना है पिक्सल लैब पर। आप लोग यहां पर देख सकते हो पिक्सल लैब पर मैं आ चुका हूं, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिख जाएगा जब आप पिक्सल लैब पर आ जाओगे। तो अब मैं ट्यूटोरियल पूरा का पूरा बता रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले गाइज आप लोग थ्री डॉट पर क्लिक कर दो। इमेज साइज पर क्लिक करने के बाद यहां पर जो कस्टम आ रहा है ना, यहां पर यूट्यूब थंबनेल आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आपने यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट किया, आप ओके कर देना। अब यहां पर जो थंबनेल बनने वाला है वो आपका नेक्स्ट लेवल यहां पर थंबनेल बनने वाला है। अब देखो यहां पर आ चुकी है हमारी स्क्रीन पूरी की पूरी, ठीक है। थंबनेल वाला पूरा का पूरा एस्पेक्ट रेशियो आ चुका है, ये रेशियो में हमारा बनने वाला है थंबनेल। यहां पर देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया 1280 और हाइट रहने वाली है 720, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद सबसे पहला काम होता है अट्रैक्टिव थंबनेल जब बनता है ना, तो उससे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्या होता है, कलर्स। कलर्स अगर आपके अच्छे होंगे तो आपका यूं थंबनेल तगड़ा बनेगा और आपके व्यूअर्स आपकी वीडियोस पर क्लिक किए बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि थंबनेल बढ़िया होगा। और गाइस पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आपका थंबनेल नहीं है अच्छा, अभी आपके थंबनेल्स अच्छे नहीं बन रहे, तो गाइस वीडियोस में आप कितनी भी मेहनत कर लेना, आपके थंबनेल अच्छे नहीं है तो कोई भी व्यूअर उस पर क्लिक नहीं करेगा। भले आपने वीडियो में एक दिन दो दिन मेहनत की हो, लेकिन व्यूअर नहीं देखेगा अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देख लो, थंबनेल बनाना सीख लो अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको आना है कलर्स वाले ऑप्शन में, फोर्थ नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद कलर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो सबसे पहले आते हैं कलर्स, जो कि आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। येलो हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, तो इस तरीके से। लेकिन अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रेडियंट से एक चीज सेलेक्ट करो। अब यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर बनाया है, तो किस तरीके से बना सकते हैं देखो, यहां पर आपको एक कलर मिल जाएगा, उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करो। यहां पर आप लोग देख सकते हो ब्लैक कलर जो यहां ऊपर वाले पोर्शन में दिखाई दे रहा है ना, यहां पर ये वाला ब्लैक कलर, ये वाला, तो ये आप लोग कैसे चेंज कर सकते हो, ये ब्लैक वाला ये जो पोर्शन आ रहा है इस पर क्लिक करो, और फिर ये नीचे कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। यहाँ से आप लोग कोई भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये कलर चेंज हो जाएगा, तो ये कलर चेंज हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर मैंने कलर चेंज किया, इसको यहाँ किया, देखो ये ग्रीनिश टाइप हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से बन गया। तो अभी यहाँ पर हमने ये सेलेक्ट कर लिया, दूसरा कलर चेंज करना है तो इस पर कलर चेंज करके आप लोग ये कर सकते हो। चलो अब टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं और बढ़िया से ही करते हैं। देखो गाइज अब आपका थंबनेल का पूरा यहाँ पर वो रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर इमेज ऐड कर लीजिए, और इस वाली इमेज को अभी मैं बनाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर मैंने कर लिया अपने आप को सेट, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है इमेज सर्च मैन। इस एप्लीकेशन पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ का मतलब ऐसे अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने वाले आइटम्स, ऐसे थंबनेल बनाने वाले कैसे वायरल थंबनेल जो स्क्रीन पर आप लोगों को शो हो रहे हैं, ऐसे वायरल थंबनेल बनाने के लिए जो टेम्पलेट्स आपको मिलेंगी ना, जो टेक्सचर मिलेंगे यहीं से मिलेंगे। यहाँ पर आओ, यहाँ पर डालो जैसे कि आपने डाला येलो टॉर्न पेपर। टॉर्न पेपर बहुत ज़्यादा वायरल है यूट्यूब के थंबनेल्स में, बहुत तगड़ी तरीके से यहाँ पर थंबनेल बन जाता है टॉर्न पेपर के माध्यम से। तो अभी आप लोग देख सकते हो टॉर्न पेपर तगड़ा लग रहा है, हमने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, ठीक है, परमिशन दे देनी, डाउनलोड क्लिक कर देना। अब देखो सबसे ज़्यादा मेन है इसका बैकग्राउंड हटाना। तो बैकग्राउंड किस तरीके से आप हटा सकते हो, आप लोगों को आ जाना है क्रोम पर। क्रोम पर आने के बाद गाइज आपको एक काम करना है, यहाँ पर डालना है remove.bg, ठीक है, remove.bg डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी देखो अभी यहाँ वेबसाइट खोल रही है, अपलोड इमेज पर क्लिक करो और इसको सेलेक्ट करके डन कर दो। अब जैसे ही आप लोगों ने डन किया तो यहाँ पर उसका बैकग्राउंड हट जाएगा और प्रॉपर तरीके से टॉर्न इमेज आपको मिल जाएगी। देखो हट चुका है, मैंने डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब फटाफट से गाइज आ जाते हैं अपने पिक्सल लैब पर, ठीक है। पिक्सल लैब पर आने के बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करो, फ्रॉम गैलरी पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर टॉन पेपर आ चुका है, इसको डन कर लो और इसको इस तरीके से करके बड़ा कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बड़ा कर लिया, अभी देखो और बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं टू बैक कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमने किया टू बैक। लो मैं ऊपर आ गया ना,
अब देखो कितना सॉलिड लग रहा है। अभी मैं आपको टेक्स्ट ऐड करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट, आप थंबनेल्स बनाते हो, अट्रैक्टिव अगर आपको थंबनेल बनाना है तो एक चीज को जरूर एड ऑन करना, जैसे कि एक बहुत नई चीज बता रहा हूं, किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई होगी। शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, रेडियस यहां पर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद यहां पर थोड़ा सा छोटा कर लो इसको, इस तरीके से छोटा कर लो और डन कर दो। इतना काम करने के बाद यहां पर मैं देखो आपको एक अमेजिंग चीज बनाने वाला हूं, ठीक है। और देखो इससे इतना कितना अट्रैक्टिव आपका थंबनेल बन जाएगा। मैंने यहां पर क्या किया, ये तीन को सेलेक्ट कर लिया, इधर थोड़ा थोड़ा कर लेता हूं और इसको थोड़ा सा साइज यहां पर ऐसा कर देता हूं इस टाइप का, ठीक है। और इसका साइज यहां पर ऐसे कर देता हूं। देखो अभी अमेजिंग लगने वाला है और तगड़ा तरीके से यहां पर थंबनेल बना दूंगा, ठीक है। आपको थंबनेल बनाना सिखा रहा हूं। अब देखो यहां पर थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं टिल्ट, चलिए ये हो चुका है हमारा, ठीक है। अभी देखो अब इस पे आपको क्लिक करना है और देखो एक अमेजिंग चीज बताता हूँ, अमेजिंग चीज जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। इस पे क्लिक किया, टेक्सचर पे क्लिक करो और यहां से एक इमेज को सेलेक्ट करके ले आओ। फॉर एग्जांपल मैं एल्बम्स में गया, फटाफट से गाइज मैं क्या करता हूँ, एक पिक्सल लैब वाले थंबनेल को यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखो जैसे कि मैंने एक ये सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, आप लोग देखो यहां पर बन के आ गया, है ना अमेजिंग चीज। अब इस पे हमको स्ट्रोक चढ़ाना है तो स्ट्रोक पे क्लिक करो और 1% स्ट्रोक चढ़ा दो, देखो तगड़ा लग रहा है। अभी देखो यहां पर क्लिक किया, इसी तरीके से मैं और भी एड ऑन कर देता हूं। देखो टेक्सचर पे क्लिक किया, अब मैं अभी टेक्स्ट का भी बताने वाला हूं, कौन सा टेक्स्ट कैसे लिखना है जो एकदम अट्रैक्टिंग होगा, आई कैचिंग होगा थंबनेल, सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। देखो यहां पर किया, इस पर भी स्ट्रोक चढ़ा दिया। अब यहां पर गाइज आपको क्या करना है, अभी देखो मैं इनको स्ट्रेट में ही ले लेता हूं क्योंकि आपको एक अमेजिंग चीज और दिखाने वाला हूं, ठीक है। अभी मैंने इनको स्ट्रेट कर लिया, ठीक। अब देखो यहां पर उसके बाद आना है आपको ड्रॉ में, ड्रॉ में आने के बाद यहां पर कलर जो है व्हाइट सेलेक्ट कर लो और देखो पेन साइज आप लोगों ने इतना कर लिया, देखो ये थोड़ा सा पेन साइज कम कर लेता हूं और इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। मैंने ये बनाया और देखो यहां पर ये सेलेक्ट किया, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लो। अभी देखो कितना अमेजिंग ये लगने वाला है, अब इसको हम लोग पोजीशन से ऊपर ले जाने वाले हैं। देखो यहां पर ये हम लोग कर रहे हैं, ये देखो यहां पर, एक सेकंड, इसको टू बैक कर दो। देखो एक और कॉपी किया और यहां पर इसको ये ले आए, देखो अभी आपको कितना अमेजिंग लगेगा ये। देखो यहां पर किस तरीके से कर सकते हो आप, इस तरीके से कर सकते हो। एक और आप लोगों ने कॉपी किया और उसके बाद आप यहां पर लाए और पोजीशंस पे आने के बाद आपने ये कर दिया यहां पर। देखो मेरा तीनों रेडी है, ठीक है। अभी यहां पर इतना बन चुका है तो हमारा टू बैक हो गया, मस्त लग रहा है। अभी देखो और चीज़ें बता, अब टेक्स्ट आपको किस तरीके से एड ऑन करना है जो कि अट्रैक्टिव लगेगा, उसके लिए गाइज यहां पर शेप्स में आओ और शेप्स में आने के बाद यहां पर क्लिक करो और यहां पर ये जो है ना, ये वाला अगर आप लोगों ने ले लिया तो बहुत तगड़ा लगता है गाइस। अब देखो इसका कलर जैसे आप लोग येलो सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इसको आपने डन किया और इसको यहां पर कर लो इस तरीके से, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहां पर इस तरीके से इसको रोटेट कर लो और रोटेट करने के बाद यहां पर टू फ्रंट कर लो ताकि ये इधर उधर के वो ना लगे, इसको टू बैक कर देते हैं। अभी देखिए ये यहां पर मैंने कर लिया सेलेक्ट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये एकदम पोजीशन में आ जाए। अभी देखो यहाँ पर आपको पता ही नहीं लग रहा होगा कि अलग अलग लगाए हैं, पोजीशन में आ गए। अब आपको लिखना है टेक्स्ट, अब टेक्स्ट जैसे ही आप लोगों ने लिखा तो फटाफट से मैं यहाँ पर हिंदी में कर लेता हूँ ताकि हम हिंदी में यहाँ पर लिख लें। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ जैसे कि सिर्फ 2 मिनट में, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट में मैंने ये लिखा। और यहाँ पर करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट को। फॉन्ट में जाओ, फॉन्ट बढ़िया सा एक चूज़ कर लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये वाला फॉन्ट आप लोग सेलेक्ट करिए, काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर कलर आप लोगों को क्या ब्लू या फिर ब्लैक कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी देखो कितना अमेजिंग लग रहा है ना, अभी अमेजिंग और लगेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने कर लिया सिर्फ 2 मिनट में थंबनेल, अब मैं थंबनेल लिखने वाला हूँ तो हमको 3D टेक्सचर लाना है। किस तरीके से ला सकते हैं, देखो गैलरी में मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मैंने गैलरी पे क्लिक किया, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके का मैं यहाँ पर एक डाउनलोड करके लाया हूँ, तो यहाँ मैंने ये रख लिया। अभी ये हम नीचे लगाने वाले हैं जो कि बहुत अमेजिंग यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। अब हमको बीच में थंबनेल लिखना है तो यहाँ पर मैंने ये लिया और यहाँ पर गाइज हम लोगों को क्या करना है, एक थंबनेल लिख देना है, थंबनेल, ठीक है। ये हम लोगों ने थंबनेल लिख दिया, अब मैं कैपिटल में लिखना चाहता हूँ ताकि अच्छा लगेगा। तो देखो थंबनेल, ठीक है, मैंने यहाँ पर थंबनेल लिख दिया और इसको कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा और इतना बड़ा कर देते हैं और बढ़िया सा एक फॉन्ट लगा देते हैं ताकि अमेजिंग एकदम मस्त लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यही वाला रहने देता हूँ, ये अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया। उसके बाद आप लोग स्ट्रोक चढ़ा सकते हो, इसमें कलर वाला वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि येलो कलर का रखना चाहते हो, रेड रखना चाहते हो, ग्रीन हो गया तो ग्रीन थोड़ा सा अमेजिंग लग रहा है, इस तरीके का आप रख सकते हो। थंबनेल किया, उसके बाद यहाँ पर आप लोग और क्या कर सकते हो, जैसे कि आप लोग स्ट्रोक वगैरह चढ़ा सकते हो, ठीक है। स्ट्रोक वगैरह अभी आप लोग देख सकते हो मैंने ब्लैक का चढ़ा लिया तो थोड़ा हाईलाइट हो रहा है। शेडो वगैरह आप लोग चढ़ा सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पर बना दिया सिर्फ 2 मिनट में थंबनेल, अब इसी टेक्स्ट को कॉपी करना है
और कॉपी करने के बाद ये जो टेक्सचर है ना इस पे आप लोगों को और टेक्स्ट लिखना है। बनाना सीखें, मैं ये और लिखने वाला हूँ। देखो बनाना सीखें, बनाना सीखें, देखो सीखें, बनाना सीखें। तो ये यहाँ पर मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया। अब देखो कमाल का एकदम थंबनेल अभी रेडी नहीं हुआ है। अभी देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक तो हम लोगों ने शेप यहाँ पर सेलेक्ट कर ली, ऊपर हम लोगों ने बढ़िया सा यहाँ पर क्या किया, ड्रॉ से एक बढ़िया सी लाइन बना दी जो कि वहां पर बढ़िया सा एकदम थंबनेल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो टेक्सचर है ना वो आपको यहीं से मिलेगा। कहां से मिलेगा वो गाइज, आप लोगों को मिलेगा इमेज सर्च मेन में। यहां पर जैसे कि आप इमोजी वगैरह, जैसे कि आप हैप्पी इमोजी सर्च करना चाहते हो तो हैप्पी इमोजी करके आपने डाला तो यहां पर आप लोग देख सकते हो हैप्पी इमोजी के कितने सारे इमोजी आ गए, सबको आप लोग डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। यहां पर जैसे कि आपने डाला एंग्री इमोजी तो यहां पर मैंने डाला एंग्री इमोजी, लो एंग्री इमोजी के कितने सारे आ गए, किन को यूज करोगे, करो यूज यार। ये एप्लीकेशन का नाम है इमेज सर्च मैन जो कि आप लोग यूज कर सकते हो। येलो टॉर्न पेपर किसी का भी चाहिए ना वो डाल दो, जैसे कि आप यहां पर डालना चाहते हो ब्लैक का आपको चाहिए तो ब्लैक टॉर्न पेपर आपने ये डाला, लो ब्लैक वाले आ गए, कितने सारे आ गए। तो यहां का यूज करो, बढ़िया तरीके से थंबनेल बनाओ, वीडियो पर व्यूज लाओ। ठीक है, अब देखो अभी भी बहुत सारी चीजें कंप्लीट नहीं हुई हैं। अब जैसे कि फिर से हमने ड्रॉ पे क्लिक किया और यहां पर हम लोग अब थोड़ी सी पेन साइज को बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग मैंने जैसे इस टाइप का बनाया। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हो ब्लैक कलर का है, अब ये कलर चेंज नहीं हो सकता तो ब्लैक ही रहने देते हैं इसको। और इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर क्या करते हैं, एक सेकंड, जैसे कहाँ गया, इसको यहाँ पर ये कर लेते हैं और एक और कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, कॉपी करने के बाद ये ले लिया और एक और कॉपी कर लिया, इसको छोटा सा कर देते हैं। अब यहाँ पर भाई, अभी भाई क्या लगाने वाले हो, यहाँ पर अमेजिंग चीज़ लगाने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं गैलरी में गया, अब देखो मैं गैलरी में फटाफट से ले आता हूँ और फिर मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा थंबनेल जो फाइनल कंक्लूजन है वो बताने वाला हूँ। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर YouTube ले आया, अब देखो YouTube का सिंबल मैंने ये लिया, अब मैं इसको शेडो चढ़ाऊंगा ना तो देखो कितना अमेजिंग लगेगा। ये शेडो चढ़ाया, थोड़ा हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पर मैंने ये कर दिया, लो ये कर दिया कॉपी यहाँ से। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तो और ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, कॉपी किया, एक यहाँ लगाया। ठीक है, ऊपर देखो कॉपी किया और एक यहाँ लगा दिया। देखो लग रहा है ना एकदम मस्त, लग रहा है एकदम मस्त, कैसे लिखा आ रहा है। देखो इमेज भी आ गई और इमेज पे अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, इमेज को बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा कर लो इस तरीके से। और यहाँ पर देखो बिल्कुल एकदम सेट हो गया। ठीक है, स्ट्रोक चढ़ाना चाहते हो स्ट्रोक चढ़ा लो, वाइट देखो इस तरीके से चढ़ जाएगा, ब्लू वाइट येलो जो भी करना चाहते हो करो, मैं वाइट ही अपना रखना चाहूँगा, थोड़ा सा और कम कर दूंगा, बस स्ट्रोक विद 1-2 बहुत है। और देखो ये हमारा फाइनल एकदम थंबनेल तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया, टॉर्न पेपर सेलेक्ट करना बताया, टॉर्न पेपर कर लीजिएगा, उसके साथ ये जो शेप्स वाला बताया ना, शेप्स में आने के बाद इसको रेडियस करके इसमें टेक्स्चर ऐड कर लीजिएगा, बहुत अमेजिंग लगेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने कैटेगरी में इस तरीके के थंबनेल बना के लोगों से क्लिक करवा सकते हो और एक बार क्लिक आ गया तो बढ़िया तरीके से आपके व्यूज आएंगे, बढ़िया तरीके से थंबनेल बनेगा। ये मेरा फाइनल कंक्लूजन थंबनेल है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस तरीके से आप बना सकते हो, मैंने फुल टू फुल ऑन ट्यूटोरियल ए टू जेड आप लोगों को बता दिया, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो गाइस ये थी आज की कंप्लीट वीडियो थंबनेल कैसे बनाए के ऊपर, आई होप आप लोग थंबनेल बनाना प्रॉपर तरीके से सीख गए होंगे, जो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान समझाया है मैंने। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की कंप्लीट वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलता हूं ऐसे किसी अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।